बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली सेना ने लिबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया। इब्राहिम अकील के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री यूनिट रादवान फोर्स का चीफ था अकील, हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री संस्था जिहादी काउंसिल का भी सदस्य था। बेरूत पर इसराइल के हवाई हमले में 14 लोगों की जान जा चुकी है, अब तक मारे गए हैं। एक हफ्ते में हिजबुल्ला को ये तीसरी बड़ी चोट लगी और इससे पहले भी पेजर सीरियल ब्लास्ट हुआ था और हिजबुल्ला के चीफ के जिहादी काउंसिल का ये देखिए मास्टरमाइंड था इब्राहिम अकील, मारे जाने का दावा किया गया है। इसराइल के हवाई हमले में ये मारा गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हिजबुल्ला पर एयर स्ट्राइक के आतंकी इब्राहिम अकील ढेर हो चुका है। किस तरीके से लगातार हमले जारी हैं उसकी तस्वीरें देखिए आप। इब्राहिम अकील की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चुन चुन करके बदला लिया जा रहा है इस वक्त। ये तस्वीरें देखिए, पहले तो पेजर से सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इससे पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बेरूत पर इसराइल के हवाई हमले में 14 लोग मारे गए, एक हफ्ते में हिजबुल्ला को यह तीसरी बड़ी चोट लगी है। मेजर जनरल के सिन्हा और एके शिवाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप के सिन्हा जी, मैं आपका रुख कर रही हूं, इससे पहले भी पेजर सीरियल ब्लास्ट हुआ था और अब ये जो बड़ी क्षति हुई है, हिजबुल्ला को ये तीसरी बड़ी चोट लगी है, इससे हिजबुल्ला इस वक्त कितना ज्यादा कमजोर या असहाय हुआ, क्योंकि इसराइल के हवाई हमले में 14 लोग मारे गए हैं। जय हिंद। देखिए प्रिया, ये जो आप देख रही हैं लेबनान के अंदर में, सदर्न लेबनान में जी, ये थर्ड उनका मेजर ऑपरेशंस ये कहते हैं। सदर्न लेबनान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 85 से 2000 तक चला था, जब इसराइल ने वहां छोड़ा था। अभी आपने जैसा बताया कि ये जो आपकी है उसकी, देखिए मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम तीन बातें कहते हैं। पहला है जो साइबर अटैक, किसी भी मेजर ऑपरेशंस के पहले जब साइबर अटैक होती है, जो आपने पेजर्स की बात हुई, हम वॉटिंग टॉकी की बात हुई, उनकी जितने भी रेडियो सेट कारों में लगे हुए हैं उनके ऊपर में जो, और इसकी प्लानिंग, और देखिए 2022 से चलती है और यही साइबर जब यूनिट उनकी एक है 820 जो साइबर वॉरफेयर की यूनिट है और बहुत ही नामी यूनिट है, उन्होंने ये प्लान किया और उस स्ट्रेटजिक मोमेंट में इसका वे रिट्रीब्यूट करते हैं जब आप ऑपरेशंस की अपनी तैयारी की फेजेस शुरू करते हैं। दूसरा, आप उसके बाद देखिए लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। आपने अभी अभी आपने ही खबर चलाई कि रिजवान फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, रैपिड इंटरवेंशन फोर्स है ये, हिजबुल्ला का वो फोर्स है, उसका कमांडर इन चीफ वो मारा गया जी। और इसी जो रिजवान इंटरवेंशन फोर्सेस का है, उसी के ऊपर पर में बातचीत चल रही है इजराइल और अमेरिका, वो चाहते हैं कि 10 किलोमीटर सर मेरे पास वक्त कम है, एके शिवाजी का भी मैं रुख करना चाहूंगी। जिस हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री यूनिट रादवान फोर्स का चीफ का जिक्र हुआ किया जा रहा है, इब्राहिम अकील जो मारा गया है, इसके बारे में सर और जानकारी कि इससे कितना ज्यादा और हिजबुल्ला की टॉप मिलिट्री संस्थान वीक हुई है, उसे नुकसान पहुंचा है। हां बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, स्पेशली हो क्या रहा है जिस प्रकार से इजराइल सिस्टमेटिकली अटैक कर रहा है हिजबुल्ला पे, और जिस प्रकार से उसने पेजर्स और वॉकी टॉकी को किया, फवाद शकूर को मार गिराया था पहले, और अब जो इब्राहिम को मार गिराया कि जो एक टॉप कमांडर था, तो एक प्रकार से मुझे लगता है इजराइल ने मन बना लिया कि हिजबुल्ला की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको खत्म करना है, क्योंकि ये समझ रहे हो कि हिजबुल्ला जो है 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है हमास से, उसके बाद 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं, 1.5 से 1.5 लाख के करीब उसके बाद रॉकेट मिसाइल हैं। तो इजराइल ने ये मन बनाया है कि अगर अभी इसने हिजबुल्ला को छोड़ दिया तो हिजबुल्ला आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, और इसलिए बड़े सिस्टमेटिकली उनके कमांडर्स को मारा जा रहा है, उसके साइबर वॉर के शिवाजी इनके जब चीफ मारे जाते हैं उसका कितना बड़ा असर होता है, क्योंकि पूरी यूनिट को ये चला रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा असर होता है, ये एक मोराल को डाउन करता है, ये दिखलाता है कि इजराइल
पेनिट्रेट कर चुका है पूरे के पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी जो हिजबुल्ला की है, और वो बड़े सोच विचार से चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। और मुझे लगता है जिहादी काउंसिल का मेंबर था जो मारा गया, मेरे पास में आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े और इस पर अपनी बात सामने रखी। अमेरिका ने किस तरीके से, हमने आपको दिखाया $70 लाख का रखा था इनाम इस पर, और अब वो ढेर हो चुका है, हिजबुल्ला का इब्राहिम ढेर कर दिया गया है। Z News.